सो है एवरीवन, आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज को। तो अंदर तक पूरा कैंपस टूर करेंगे। एंड अगर आपको इस कॉलेज की एडमिशन की नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग बिलासपुर। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं बिलासा कैंपस टूर। तो ये है यहाँ का मेन गेट। बेसिकली यहाँ 3 गेट्स है, बट ये स्टूडेंट लोगों के लिए है स्पेशली, जहाँ से पार्किंग होते हुए जाता है। सेकेंडरी गेट को भी हम लोग दिखाएंगे एंड थर्ड वाले से जो है ऑफिस वाले मिस टीचर्स प्रोफेसर्स लोग जाते हैं। तो अभी हम लोग ये पार्किंग वाले साइड से इंटर कर चुके हैं एंड देन द फाइनल लुक। और ये वाला पोर्शन यहाँ का गार्डन है। देन है ये सेकेंडरी जो गेट है, मेन गेट है लेकिन इसको कभी ओपन नहीं करते हैं, कभी कभी इंपॉर्टेंट डेज पे ओपन होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर और पूरा कैंपस। तो कैंपस का मेन गेट ये वाला है जहाँ से आप लोग इंटर करते हो। तो सबसे पहले है हमारे लेफ्ट साइड में ऑफिस है, देन राइट साइड में प्रिंसिपल मैम का ऑफिस है। ओके, तो अभी तो मैम है तो प्रिंसिपल मैम, देन सर रहते तो सर, और ये ऑफिस जहाँ पर एडमिशन वगैरह का काम होता है। जितना भी पूछताछ करना है आप वहाँ से जाके पूछताछ कर सकते हो। एंड यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी हुई है यहाँ के कोर्सेज के बारे में। एंड और ये वाला पोर्शन जो है हिंदी डिपार्टमेंट के साइड जाता है, जहाँ हम लोग बाद में जाएंगे। फिलहाल हम लोग स्ट्रेट वे में चलेंगे और देखते जाइएगा थोड़े से ध्यान से कि क्लासेस किधर किधर है, कौन से वे पर कौन सा डिपार्टमेंट है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आएगा, हमने जितना हो सका बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो ये एक और गार्डन है जो बाद में बना था। तो अभी हम लोग एक क्लासरूम देख लेते हैं कि सीटिंग सिस्टम कैसा है यहाँ का। ओके, तो ये है सीढ़ी वाला क्लास। तो आई थिंक दो ही क्लास है जहाँ पर सीढ़ी वाला बनाया गया है, बाकी सब क्लासेस में अलग अलग फैसिलिटीज़ दी गई है स्टूडेंट लोगों को बैठने के लिए, टीचिंग के लिए। तो भी आगे देखेंगे। देन अभी हम लोग चलेंगे फिजिक्स डिपार्टमेंट के साइड। तो सबसे पहला गेट यही पड़ रहा है, तो चलिए लेफ्ट साइड चलते हैं। और ये है यहाँ का न्यू बना हुआ गार्डन। वैसे तो बने हम लोग के बैच के टाइम पे बन गया, मीन्स 3 से 4 साल हो गए, काफ़ी अच्छा हो गया है, पहले पूरा जंगल था। एंड लेट मी कमेंट डाउन, अगर आप यहाँ से पास आउट हो चुके हैं या फिर यहाँ स्टडी कर रहे हैं तो आपका बैच सेशन कौन सा है। एंड साथ में अपना डिपार्टमेंट भी कमेंट डाउन ज़रूर से कीजिएगा। तो मेरा तो फिजिक्स डिपार्टमेंट है, तो मैं फिजिक्स डिपार्टमेंट पहले एक्सप्लोर कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई और डिपार्टमेंट क्यों नहीं, तो इसका रीज़न है कि मेन गेट यही फर्स्ट पड़ता है। तो ये है फर्स्ट फ्लोर पर, ठीक है, गार्डन के जस्ट सामने वाले से। देन हम लोग यहाँ से लेंगे राइट। तो ये गार्डन का थोड़ा सा ओवरव्यू है हमारे फिजिक्स डिपार्टमेंट के साइड से। देन ये वाला पोर्शन पूरा फिजिक्स डिपार्टमेंट का है, यहाँ से प्रैक्टिकल रूम्स वगैरह पीजी और यूजी के लिए जो क्लासेस हैं एंड प्रोफेसर जहाँ बैठते हैं वो सारी क्लासेस इस पोर्शन में हैं। तो हम पीजी के एक क्लास में चल के देखते हैं कि कैसा है क्लासरूम। और फाइनली मैं कहना चाहूँगी कि ये मेरा भी क्लासरूम था और यहाँ प्रोजेक्टर्स वगैरह दिए गए हैं, इसमें स्टडी कराया जाता है आपको, सेमिनार वगैरह प्रेजेंटेशन इसी में देना होता है। देन प्रैक्टिकल की चीज़ें हैं यहाँ पर, जितना हम लोग MPhat JPhat वगैरह पढ़ते हैं। आई नो कि आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा, फिजिक्स डिपार्टमेंट वाले समझ लेंगे। देन स्पेशल सिंबल यहाँ पर बनाया गया है थैंक यू करके। देन ये गार्डन का और ओवरव्यू। देन हम लोग जस्ट नीचे फ्लोर पर है और नीचे में है इंग्लिश डिपार्टमेंट। तो इंग्लिश डिपार्टमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है। देन ये पूरा वाला जो पोर्शन है वो पूरा इंग्लिश डिपार्टमेंट का ही है। और ये वाला गेट भी आपको आउटर साइड लेके जाता है, बट हमेशा खुला नहीं रहता, कभी कभी खुला रहता है। और ये है शॉर्टकट जो स्टेशनरी फोटोकॉपी के लिए है। तो अभी हम लोग गए थे फिजिक्स डिपार्टमेंट, देन हम लोग रिटर्न हो रहे हैं अपने मेन गेट साइड में जहाँ से हम लोग स्ट्रेट चल रहे थे। एंड अगेन हम लोग स्ट्रेट चलना स्टार्ट। देन तो थोड़ा सा वीडियो फ्लक्चुएट हो रहा होगा क्योंकि हमने स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट कर दिया था इस वजह से। तो अभी हम लोग है जूलॉजी डिपार्टमेंट और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो हम लोग जस्ट यहाँ पर खड़े हैं, अभी फ़िलहाल हम लोग केमिस्ट्री डिपार्टमेंट चलेंगे। तो ये वाला जो प्रैक्टिकल रूम है ये है यूजी वालों के लिए, मीन्स अगर आप प्लेन बायो कर रहे हैं या फिर प्लेन बायो तो नहीं बोलना चाहिए, जितने बायो के कोर्सेस हैं सब में केमिस्ट्री होता ही होता है। एंड साथ में अगर आप पीजी भी करते हैं तो भी और प्लेन मैथ्स करते हैं तो भी आपको केमिस्ट्री मिल जाएगा। देन ये हमारे राइट साइड में केमिस्ट्री, राइट साइड में जो है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है,
थोड़ा और आगे चलते हैं और यह है पीजी लैब, मीन्स अगर आप एमएससी करते हैं केमिस्ट्री में तो आपको ये वाला लैब मिलेगा प्रैक्टिकल के लिए। देन अब जूलॉजी डिपार्टमेंट, तो ये है जूलॉजी डिपार्टमेंट और यहाँ पर ये वाला मुझको सबसे ज़्यादा पसंद आया कि जो है प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर काम किया गया है और ये छोटा सा बॉटनिकल गार्डन है। हेलो, एंड ये एक प्रोजेक्ट है जो जूलॉजी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट के साइड से बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं जूलॉजी डिपार्टमेंट का एक क्लास कैसा है एमएससी प्रीवियस ईयर। तो ये है जूलॉजी डिपार्टमेंट का क्लास, एंड जो दोनों सामने में लड़कियां दिख रही हैं ना, ये दोनों मेरे फ्रेंड हैं एंड इन दोनों ने ही मेरी हेल्प की थी वीडियो शूट करने में, तो उनको स्पेशल थैंक्स। एंड आई होप कि जब हम आपके कॉलेज विजिट करेंगे तो आप भी हमें ज़रूर से हेल्प करेंगे वीडियो बनाने। तो हम लोग जूलॉजी डिपार्टमेंट से सीधे सीधे आए हैं और हमारे राइट साइड पर है अभी होम साइंस डिपार्टमेंट बीकॉम एंड एनएसएस का डिपार्टमेंट, और हमारे लेफ्ट साइड में पड़ रहा है ये वाला गेट जो डायरेक्ट ओपन होता है आउटर साइड में, तो उधर बाद में जाएंगे। फिलहाल चलते हैं होम साइंस डिपार्टमेंट बीकॉम एनएसएस इन सब को देखते हैं, और यहाँ पर स्टेज भी है। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो फ्लक्चुएट होगा क्योंकि हमने फास्ट कर दिया था वीडियो। एंड तो ये है बीकॉम डिपार्टमेंट, अंदर तो नहीं जाएंगे हम लोग बट ऊपर से देख सकते हो। देन है एनएसएस का, यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। देन है यहाँ पर एनुअल फंक्शन होता है, तो यहाँ पर स्टेज वगैरह बने हुए हैं, तो उसका थोड़ा अच्छे से लुक लेंगे अदर साइड से जहाँ से अच्छे से दिखेगा। देन पहले इधर रीडिंग रूम एंड लाइब्रेरी था, अभी आई थिंक हट गया है और नॉर्मल लेक्चर रूम बन गया है। और ये है जहाँ से हम लोगों ने सबसे पहले एंटर किया था, वहाँ पर दिखाए थे। और इधर वॉशरूम वगैरह है गर्ल्स के लिए एंड सैनिटरी पैड की भी यहाँ सुविधा। तो जस्ट राइट टर्न करने के बाद अगर राइट टर्न करोगे तो ये वाली सीढ़ी मिलेगी जो कि हमको हिस्ट्री डिपार्टमेंट, सॉरी मिस्टेक हो रहा था, हिस्ट्री डिपार्टमेंट लेके जाएगी। और यहाँ से ये छोटा सा ओवरव्यू है यहाँ के स्टेज का, तो अभी हम लोग जाएंगे हिस्ट्री डिपार्टमेंट, उसका भी बस ओवरव्यू ले सकते हैं। आई थिंक क्लासेस वगैरह तो मैंने नहीं देखी है ना, मैंने इंटर किया है, तो बेसिकली हम लोग ऊपर से ही देखेंगे। आपको बस पता होना चाहिए कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पर है। ओके, देन तो ये वाला पोर्शन पूरा हिस्ट्री डिपार्टमेंट का है। देन इसके जस्ट फ्रंट में मीन्स लेफ्ट साइड जाने से आपको क्या है ऑटोनॉमस मिलता है, जहाँ इधर से गेट तो है बट यहाँ से जाना अलाउ नहीं है। ठीक है, तो उसका दूसरा वे है उसको दिखाएंगे, तो अभी फ़िलहाल नीचे चलते हैं, वापस से रिटर्न होते हैं अपनी जगह पर। और ये है पूरा ओवरव्यू यहाँ के स्टेज का जहाँ पर एनुअल फंक्शन वगैरह होता है। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं और मैंने देखा है आम पे फल भी लगा है। तो अभी हम लोग जो है होम साइंस डिपार्टमेंट बी कॉम एनएसएस से राइट लिए हैं और राइट के बाद डायरेक्ट स्टेट चलेंगे तो आप मेन गेट के पास आ जाएंगे। ये वही गेट है जहाँ से हमने एंट्री ली थी। देन ये स्टैचू जो है और ये वाला जो वे है जिधर हम लोगों ने अभी कवर किया केमिस्ट्री जूलॉजी फिजिक्स डिपार्टमेंट, और इधर से हम लोग आए होम साइंस डिपार्टमेंट वगैरह हैं, तो अभी चलेंगे इस वाले पे जहाँ सीढ़ी वगैरह से ऊपर जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं जहाँ ऑटोनॉमस वगैरह है। ठीक है, मीन्स हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट के बैक वाला पोर्शन। तो यहाँ पर थ्री वेस है, तो हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए लेफ्ट लेंगे, और लेफ्ट से और लेफ्ट लेने पर है यहाँ का ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट, जहाँ पर आपको मार्कशीट से रिलेटेड कोई भी इशू होती है तो आप यहाँ आ सकते हैं। देन जस्ट इसके फ्रंट में है जियोग्राफी डिपार्टमेंट एंड यहाँ पर 3D मैप्स लगी हुई हैं जो कि मुझको काफ़ी पसंद आई। एंड देन हम लोग जस्ट आउट आते हैं एंड राइट साइड में हमारा ये सीढ़ी पड़ता है, इसके ऊपर भी एक डिपार्टमेंट है बट अभी कोई आइडिया नहीं है, मैं भूल गई हूँ कौन सा है। देन हम लोग जस्ट लेफ्ट लेते हैं, और पहले इधर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट था, अभी हट करके जो है हिंदी एंड आई थिंक संस्कृत का डिपार्टमेंट आ गया है। ये आर्ट्स स्टूडेंट के थ्रू ही बनाया गया है। एंड ये वाला गार्डन आपको याद होगा फिजिक्स डिपार्टमेंट के ऊपर से हमने ओवरव्यू लिया था, तो जो सामने फ्रंट बिल्डिंग दिख रहा है ना वो फिजिक्स डिपार्टमेंट है। तो अभी हम लोग ऑडिटोरियम साइड चलेंगे। देन हिंदी डिपार्टमेंट से आप स्ट्रेट वे में आएंगे तो आपको ये वाला पोर्शन मिलेगा, पूरा छत है बट लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा ऑडिटोरियम हॉरर हाउस। ओके, ठीक है, मजाक कर रही थी, थोड़ा सा ब्लैक दिखा, ब्लैंक लगा तो आपको भी लगा होगा कोई भूत ऊत दिखने वाला है, बट ऐसा नहीं है, ये ऑडिटोरियम है, यहाँ सारे फंक्शंस होते हैं कॉलेज के। और ये वाला जो डोर है ना, ये अगेन आपको स्टेज वाले ग्राउंड पे नीचे लेके जाएगा अगर जाते हो तो। एंड आप सोच रहे हैं कि मैं इस जंगल झाड़ी के पास क्या करने आई हूँ, मैं यहाँ आम तोड़ने आई थी बट मुझको आम तो नहीं मिला, ये एक मिला टूटा हुआ पहले से।
तो ये है ओवरव्यू, वो रहा हिस्ट्री डिपार्टमेंट एंड होम साइंस डिपार्टमेंट, और ये पूरा स्टेज वाला लुक। देन अगेन हम लोग हैं जूलॉजी एंड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के पास एंड स्ट्रेट वे में आगे जा रहे हैं, ठीक है। और हमारे लेफ्ट साइड पर है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, तो ये है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। एंड लेट मी कमेंट डाउन कि अगर आप मैथ्स स्ट्रीम से हो या फिर आपको मैथ्स स्ट्रीम से डर लगता है तो हमें कमेंट डाउन करके ज़रूर से बताइएगा। ओके, तो हम लोग सीधे चलते हैं। एंड अगेन यहाँ से राइट साइड जाने पर है कॉमन रूम, जहाँ पर अभी तो फेयरवेल एंड वेलकम वाला फंक्शन हो रहा था। तो बेसिकली यहाँ को क्यों बता रहे हैं, कॉमन रूम है जहाँ पर आके आराम से बैठ सकते हो, खाली रहेगा तो। देन इसके जस्ट लेफ्ट साइड में है वॉशरूम, यहाँ पर बहुत सारे वॉशरूम्स हैं, अगर आपको कहीं और का वॉशरूम नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ को विजिट कर सकते हो। देन एंड देन सेंटर से अगर आप लेफ्ट साइड आते हो तो आपको मिलता है उर्दू डिपार्टमेंट। एंड यहाँ का क्लास और फर्श देखिए, पूरे क्लास से सबसे अलग है एंड सबसे ज़्यादा फैसिलिटी वाली लग रही है, इसलिए मैंने फर्श को दिखाया। ठीक है, कैमरा एंगल बदल गया था तो गलती से दिख गया। देन हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर आ चुके हैं उर्दू डिपार्टमेंट के, और ये रहा मैथ्स डिपार्टमेंट और राइट साइड में केमिस्ट्री। एंड ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये हम लोग इधर से ही आए हैं ग्राउंड फ्लोर से होते हुए, ठीक है, रिप केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। और ये वाला जो है स्ट्रेट में जाओगे तो ये फिजिक्स डिपार्टमेंट के लिए ओपन होगा, तो हम लोग उधर तो नहीं जा रहे, अभी जाएंगे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। तो अभी हम लोग कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट जाएंगे। तो ये रहा कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, और यहाँ से आगे से राइट लेना है तो हमको कंप्यूटर साइंस के क्लासेस मिल जाएंगे। तो ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस नहीं है, यहाँ पर BCA वगैरह का भी क्लासेस लगता है। तो ये है पहला कंप्यूटर साइंस लैब जो सिर्फ BCA वालों के लिए है, आई थिंक मैंने पता किया है, रूम नंबर 79। तो यहाँ की फैसिलिटी देखिए, लास्ट ईयर से ये क्लासेस बन चुकी है एंड काफ़ी ज़्यादा हाई फैसिलिटीज़ वाली क्लासेस है। और ये है LED स्क्रीन, हाँ आप इसे थिएटर के टाइप यूज कर सकते हो, बट टीचर ना रहे क्लासरूम में तो। देन यहाँ पर मैम पढ़ा रही थी स्टूडेंट लोगों को, प्रैक्टिकली पढ़ा रही थी कंप्यूटर के स्क्रीन में। तो यहाँ पर देखिए सारे सिस्टम्स रखे हुए हैं, एक स्टूडेंट के लिए एक सिस्टम, आप उस पर पूरा काम कर सकते हो, पूरा प्रैक्टिकल हो सकता है। तो जिन लोगों को डाउट है BCA वर्सेस कंप्यूटर साइंस में कौन से ज़्यादा बेटर है, अब आप देख लो, ये पूरा क्लास BCA वालों के लिए है, ठीक है। एंड आई थिंक ये हमारे टाइम पे क्यों नहीं था, हम लोग को भी यहाँ प्रैक्टिकल करने को मिलता, वैसे नहीं मिलता, हम लोग को दूसरा क्लास दे दिया जाता। तो ये है Lab 2, बेसिकली हम लोग को यही बैठाया जाता। यहाँ पर भी हर स्टूडेंट के लिए एक एक सिस्टम अवेलेबल है, बट ये है बोल सकते हो कॉमन है, जैसे कंप्यूटर साइंस वालों का अगर प्रैक्टिकल है कंप्यूटर साइंस वाले आएंगे, BCom वालों का प्रैक्टिकल है कंप्यूटर है BCom वाले आएंगे, इस टाइप का है। तो ये जो सामने पोर्शन दिख रहा है ना, ये जूलॉजी बॉटनी ग्राउंड फ्लोर में, ऊपर में ऑडिटोरियम है जिधर से हम लोग आए हैं, और मैं फर्स्ट फ्लोर में हूँ जो कॉमन रूम था उस साइड वाले में, इस कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। एंड अगेन स्टेट वे में आपको IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट दिखेगा, बट अभी कोर्स आया नहीं है, जब भी आएगा नोटिफाई करेंगे, तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। देन हम लोग आ गए हैं ग्राउंड फ्लोर पर, और अब चल रहे हैं। देन यहाँ से राइट साइड देखने पर ये देखिए होम साइंस डिपार्टमेंट वगैरह है, और यहाँ से जस्ट थोड़ा सा इंटर करके राइट में जाओगे तो जूलॉजी डिपार्टमेंट मिलेगा। तो अभी हम लोग चलते हैं बॉटनी डिपार्टमेंट के साइड, बट उससे पहले हम लोग चलेंगे कैंटीन, ठीक है, थोड़ा सा आगे से लेफ्ट लेने पर। तो हम लोग जस्ट पहुँच ही गए हैं कैंटीन, एंड इसका ओवरव्यू लेते हैं। एंड अगर आप यहाँ स्टडी कर रहे हो या फिर स्टडी कर चुके हो यहाँ से, तो लेट मी कमेंट डाउन कि आपको कैंटीन का क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद था खाने में। ओके, तो अब आपको लग रहा होगा कि मेरा क्या फेवरेट था, तो वैसे मैं कैंटीन बहुत कम जाती थी, तो फिर मेरा कुछ फेवरेट था नहीं वहाँ से, बस भूख लगता था तो वह चले जाती थी कभी कभार। तो अभी हम लोग कैंटीन से रिटर्न हो गए हैं, एंड अगेन जो पीपल पेड़ वाला था वहाँ से आगे ही आए हैं। तो ये जस्ट बॉटनी डिपार्टमेंट एंड बिलीव मिस लाइब्रेरी डिपार्टमेंट है, तो यहाँ चलते हैं। यहाँ पर भी एक खास अपडेट आया हुआ है जो कि आपको जानना चाहिए। तो यहाँ ग्राउंड फ्लोर में जो है लाइब्रेरी, तो देखिए यहाँ पर OPAC करके जो लिखा है, ये एक कंप्यूटर है जहाँ से आप बुक का नाम या फिर राइटर के नाम के थ्रू बुक सर्च कर सकते हो, बुक का नंबर क्या है ये सब पता कर सकते हो, जिससे आप डायरेक्ट बुक इशू कराओगे ना, आपको बुक ढूंढना नहीं पड़ेगा लाइब्रेरी में जाके, वो लोग डायरेक्ट इशू करके दे देंगे। तो ये मुझको काफ़ी अच्छा लगा, अदरवाइज़ आपको पूरा लाइब्रेरी छान मारना पड़ता था एक बुक के लिए, अब आप यहाँ से
सर्च कर सकते हो, कोड बता सकते हो, डायरेक्ट इशू करा सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा लगा ओपैक जो है, एंड इसको ऑन करके मैं नहीं देखी हूँ क्योंकि ये सिस्टम बंद था और वीडियो बनाते बनाते बहुत लंबा हो चुका था। देन ये है जहाँ से आप लोग बुक इशू कराओगे वो वाला विंडो। देन इसके जस्ट राइट साइड में है डिजिटल लाइब्रेरी, जहाँ पर अगेन आपको कंप्यूटर सिस्टम देखने को मिल जाएंगे, जहाँ आप कंप्यूटर में बुक रीड कर सकते हो। देन हम चलते हैं यहाँ से फर्स्ट फ्लोर की ओर, जहाँ पर है बॉटनी डिपार्टमेंट। तो अभी हम लोग चलेंगे बॉटनी डिपार्टमेंट, जो कि फर्स्ट फ्लोर पर है लाइब्रेरी के जस्ट ऊपर वाला। रीडिंग रूम भी इसी फ्लोर पर है, जो कि काफ़ी 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 ज़्यादा फैसिलिटी वाली बना दी गई है, तो उसको भी दिखाएंगे। फिलहाल हम लोग बॉटनी डिपार्टमेंट को ही देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये रहा बॉटनी डिपार्टमेंट का यूजी लैब। ओके, तो यहाँ पर आपको चीज़ें पहले ही दिख जाएंगी। ये है क्लासरूम यहाँ का, जहाँ पर प्रैक्टिकल बताए जाते हैं, और ये देखिए प्रैक्टिकल की चीज़ें और पेड़ पौधे तो मिलना ही मिलना है, बॉटनी डिपार्टमेंट है। और ये पूरा ओवरव्यू क्लास, ये पीजी वालों का है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे मशीन्स वगैरह रखे हुए हैं, तो उनको नहीं दिखाएंगे। और ये इन लोगों ने डेकोरेशन किया है अपने डिपार्टमेंट को। देन आई थिंक, मुझको लगता है बॉटनी डिपार्टमेंट वाले सजावट के मामले में काफ़ी आगे हैं, खास करके पेड़ पौधे लगाने में। तो ये है इसका सबसे नीचे वाला फ्लोर, जिधर से हम लोग आए। तो अब थोड़ा बैक टर्न लेते हैं और चलते हैं रीडिंग रूम की ओर। एक फ्लोर और ऊपर है, तो जस्ट इसका ओवरव्यू लेंगे। एंड लुक यहीं से दिख रहा है कि ये कितना ज़्यादा अच्छा बना दिया गया है, हम लोग के टाइम पर ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये बी लिव डिपार्टमेंट है, लाइब्रेरी का जो कोर्स होता है वो वाला डिपार्टमेंट यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। जब भी आएगा एडमिशन नोटिफिकेशन हम नोटिफाई करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देन चलते हैं छत के ऊपर, आज दरवाज़ा खुला है तो थोड़ा ओवरव्यू ले ही लेते हैं छत से भी। तो ये जो है आउटर व्यू है, जो थर्ड गेट हमने बताया था वो थर्ड गेट है, ठीक है। तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा किसी और साइड से भी जाके देख लेते हैं। एंड जस्ट नीचे में है स्पोर्ट डिपार्टमेंट, जहाँ पर हम लोग जाएंगे। अभी क्लियर नहीं दिख रहा है कि वहाँ पर स्पोर्ट लिखा है कि नहीं। और यह है पूरा ग्राउंड, एंड इधर ही है यहाँ का हॉस्टल, ठीक है, ग्राउंड के उस पार। और देन देखते हैं यहाँ का बॉटनिकल गार्डन, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऊपर से काफ़ी अच्छा सजा के रखे हैं। आप इसको 10 में से कितने पॉइंट देंगे, लेट मी कमेंट डाउन इस बॉटनिकल गार्डन को, ठीक है। और ये रहा स्पोर्ट डिपार्टमेंट, तो अभी वहीं जाने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि एक और से जंगल में आ गए आप लोग, तो बिल्कुल भी डाउट में मत रहिए, बॉटनिकल गार्डन है। थोड़ा सा व्यू इस टाइप का लिए है कि बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लग रहे हैं, और है भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे। तो गेट तो खुला नहीं था वहाँ का, तो ऐसे ही बस ले लिए साइड से, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। और जो एकदम सीधे में दिख रहा है ना, वो है शहतूत का पेड़, जिस पर फल लगा हुआ है, तो उसको भी तोड़ने जाएंगे, ठीक है। किसी को बताना मत, जिस तो डांट पड़े। तो अभी हम लोग जस्ट गेट से बाहर निकले हैं और लेफ्ट साइड जा रहे हैं, जहाँ पर खेल कूद डिपार्टमेंट है। और यहीं पर है शहतूत का पेड़, देखो दिखाते हैं। और ये स्पोर्ट डिपार्टमेंट, और ये रहा लेफ्ट साइड में शहतूत का पेड़ है, और इसमें फल भी लगा हुआ है। तो अगर आपको शहतूत पसंद है तो आपके लिए कॉलेज बेस्ट है, आप आ जाना खाना भी जब भी फल लगेगा। और मैं भी तोड़ रही हूँ, बस किसी टीचर को पता ना चले तो टीचर लोग के पास फॉरवर्ड मत करना। तो ये मुझको मिल चुका है। ओके, यहाँ तो मैं अकेली नहीं हूँ, और बहुत सारे स्टूडेंट लोग हैं जो शहतूत तोड़ रहे थे, उन्हीं को देख के मुझको शौक लगा और फाइनली मैंने भी तोड़ लिया है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप किसी टीचर्स को बताना मत, और आप चाहो तो आप भी यहाँ के खा। देन है यहाँ का खेलकूद विभाग, मीन्स स्पोर्ट डिपार्टमेंट। अगर आप स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। अब कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल है, जिसमें आप 6 मंथ या फिर 1 ईयर का डिग्री एंड सॉरी डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट का कोर्स कर सकते हो। तो एक बार ज़रूर से आप चेकआउट कीजिएगा यहाँ के कोर्सेज वगैरह। तो हम लोग उसका भी अपडेट लाने वाले हैं आने वाले वीडियोज़ में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगर आपको जिम जाना पसंद है तो फिर आप यहाँ भी आ सकते हो, यहाँ पर सारी जिम्स की जो है चीज़ें रखी हुई है, आप यहाँ पर जिम वाला काम कर सकते हो एंड बाकी सारे स्पोर्ट की भी। तो हम लोग वहाँ से आ गए हैं, और ये रहा बॉटनी डिपार्टमेंट, जस्ट उसके सामने ये पार्किंग है।
और ये वाला है हॉस्टल साइड, ठीक है। तो हॉस्टल का तो वीडियो बनाने के लिए परमिशन नहीं मिला है। एंड ये वाला है थर्ड गेट, इधर हम लोग नहीं जाएंगे। अभी हम लोग लेते हैं टर्न गार्डन के लिए। तो अभी जो है गर्मी का टाइम चल रहा है, तो यहाँ पर फ्लावर्स उतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, बट मोगरा में अभी भी फूल लगा हुआ है जिसकी खुशबू काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है यहाँ पर। मतलब आप इंटर करोगे ना गार्डन में, आपको बिना देखे पता चल जाएगा कि यहाँ पर मोगरा का फूल खिला हुआ है। एंड गार्डन्स में अगर आपको फ्लावर देखने हैं तो आपको विंटर का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ डहलिया और बहुत सारे फ्लावर्स लगाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हो विंटर का जो टाइमिंग है वो बेस्ट है यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करने का, सेल्फी वगैरह, ग्रुप फ़ोटो। वैसे अभी भी लेते हैं और काफ़ी अच्छा पिक आता है यहाँ पर। तो आप अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेते हो तो ज़रूर से गार्डन में फ़ोटो खिंचाना। तो यहाँ से मैं वॉइस ओवर को थोड़े देर के लिए बंद कर रही हूँ ताकि आप गार्डन को थोड़ा अच्छे से देख। तो घूमते फिरते हम लोग आ चुके हैं बिलासा कॉलेज के फ्रंट में। अभी चल रहे हैं फ़ोटो कॉपी सेंटर। तो फ़ोटो कॉपी सेंटर में पहले फ़ोटो कॉपी और स्टेशनरी की बाकी चीज़ें मिलती थी, यहाँ से प्रिंट आउट निकलवाना इम्पॉसिबल था, जो कि अब पॉसिबल हो चुका है। तो ये चीज़ मुझको काफ़ी अच्छी लगी। पहले आपको चक्कर लगाना पड़ता था पूरे कॉलेज ग्राउंड की कहीं पर आपका प्रिंट आउट हो जाए। अगर बाय द वे आप किसी काम के लिए आए हो, आपका कोई मार्कशीट वगैरह भूल गए हो, तो उसका प्रिंट आउट नहीं निकलता था। अब आप यहां से व्हाट्सअप में सेंड कर सकते हो, वहां से डायरेक्ट आपको ब्लैक एंड वाइट एंड कलर प्रिंट मिल जाएगा। तो हमने आपको बिलासा कैंपस की पूरी टूर करा दी है। आई होप कि आपको कॉलेज भी पसंद आई होगी और साथ में हमारा ये वीडियो भी। तो याद से इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड बिलासा की जो है एडमिशन फॉर्म की नोटिफिकेशन आने वाली है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। भी क्लियर, टाटा बाय बाय।